मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मसूरी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में बर्फबारी के दौरान विपरीत परिस्थितियों में प्रसव से पीड़ित महिलाओं का इलाज कर जच्चा बच्चा का सकुशल बचाए जाने पर अस्पताल में तैनात डॉक्टर शवाना, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर फ्रांसिस, हेड नर्स आशु जॉन और सफाई नायिका सरिता देसाई को फूल माला और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस द्वारा डॉक्टर केसी चौहान, उप जिला चिकित्सालय की कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर मीता श्रीवास्तव और डॉक्टर बीना सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर मीता श्रीवास्तव ने कहा है कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी और कर्तव्य के प्रति ईमानदार होकर मरीजों की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है और अस्पताल में हम लोगों के और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी कोरोना पीरियड में हम लोगों ने इतनी मेहनत की और मसूरी में कुछ बहुत अच्छा काम किया गया औरों के कंपैरिजन में। और हम लोग अपना रूटीन तो कर ही रहे हैं, अपने पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन हम लोग ड्यूटी से अलग भी काम करते हैं। उस दिन जो डिलीवरी कराई गई, आप लोग ने हम लोग को सम्मानित किया। बर्फ़ का दिन था और कोई नहीं मिल रहा था, तब यहाँ पे डिलीवरी कराई गई। आप लोग हमारी इन सर्विसेज को महिलाओं के खास तौर से इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस तरह से सेवाएँ करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि हम किसी सम्मान के लिए इच्छुक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वार्ड आया हो, सफाई कर्मचारी, स्टाफ नर्सेज, सभी लोग अपने लिए काम के लिए बहुत डिवोटेड है। और हम लोगों को तो मल्टीपल जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है, घर का, बाहर का, सब तरफ देखना ही पड़ता है। पाई थी तो बहुत भीड़ थी, मैंने इधर उधर तो नहीं देखा कौन था कौन नहीं था। मैं सीधे लेबर रूम में गई और जब उसको पेशेंट को चेक करा तो बच्चा उल्टा था। पहला बच्चा उल्टा नॉर्मल करवाना बहुत मुश्किल है। और जो डॉक्टर थी वो भी यही कह रहे थे, डॉक्टर शैली को फ़ोन किया जा रहा था मेरे सामने कि आप आइएगा, और सुनने में ये आ रहा था डॉक्टर जो प्रेजेंट थी, डॉक्टर शबाना, वो बोल रही थी कि इसको रेफ़र करना है। डॉक्टर शैली ने बोला इन्हें रेफ़र कर दो। तो उस समय कोई भी, मतलब उस समय मेरे साथ सफाई कर्मचारी, सफाई नायिका सरिता और नर्सिंग ऑफिसर आशु जॉन थी और डॉक्टर शबाना थी। और फिर मैंने ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से वो नॉर्मल डिलीवरी मैंने कर दी। रिस्क था, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया मैंने, लेकिन काम अच्छे से हो गया लोगों की दुआओं के साथ और ऊपर वाले की कृपा से मैंने नॉर्मल डिलीवरी। बहुत अच्छा लगता है और ज़रूरी नहीं है कि हमें पुरस्कार मिले या क्या है, वो तो हम अपनी एक ड्यूटी निभा रहे हैं। और मेरा तो यही एक सोचना है कि जब भी काम करो, दिल से करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी अपनी जितनी भी देश में, देश से बाहर जितनी भी महिलाएं हैं, महिला शक्ति को नमन करती हूं और सबको इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और इस अवसर पर हमने ये सोचा क्यों ना आज कोई ऐसी शख्सियत को हमें सम्मानित किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ी और उस बर्फ़ में यहाँ पर दो डिलीवरी हुई, जो कि डिलीवरी के टाइम यहाँ पर डॉक्टर भी उस टाइम यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे और एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं थी। तो किस तरह इनको यहाँ पर गर्भवती महिला को लाके और उसकी डिलीवरी की गई, जिस हमारे साथ एक सरिता यहाँ की कर्मचारी हैं, सिस्टर हैं अल्बर्ट एल्बिना, और एक डॉक्टर साहब थी, और उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर, और डॉक्टर चौहान, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर रिस्क लेकर और कम्युनिटी हॉस्पिटल की ओटी में जाकर उनकी जो है उनकी डिलीवरी करवाई। तो मैं इन सबको नमन करती हूँ क्योंकि उन्होंने एक माँ की और बच्चे की जान बचाई। सबसे बड़ा ये काम है क्योंकि उस समय जो है कि जब गर्भवती महिला का जब गर्भ होता है और उस टाइम भगवान और उसके बीच में सिर्फ एक डॉक्टर होता है, और उन्होंने किस प्रकार से वो जो बच्चा पैदा करवाया, उसके लिए मैं बार बार उनको नमन करती हूँ। इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।